नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री कर्णी एकेडमी एंड एजुटेक की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो मूल अधिकार है। हमने मूल अधिकारों पर है वो बेसिक तौर पर चर्चा की थी कि मूल अधिकार हैं वो किसे कहा जाता है, कोई व्यक्ति के जीवन जीने के लिए कौन कौन से अधिकार हैं, उन अधिकारों को तौर पर हमने देखा था मूल अधिकार। बेसिक जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको एक बार थोड़ा सा आप रिकॉल कर लीजिए, फिर हम वो टॉपिक पर चलेंगे। हमने बात की थी मूल अधिकार की, क्या बात की थी? मूलाधिकार, मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने हेतु जो बुनियादी अधिकार है, जैसे कि आपका अच्छा जीवन जियो, उसके लिए क्या है? आपको अच्छा खाना मिले, अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, अच्छा आवास मिले, अच्छे पहनावे और वस्त्र मिले, तो ये व्यक्ति के जीवन जीने हेतु कुछ बुनियादी जरूरी चीजें होती हैं और इनके अभाव में व्यक्ति अच्छा जीवन जी नहीं सकता। तो ये मूल अधिकार हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत हमारे संविधान वेताओं ने है वो जोड़े थे। भाग 3 में अनुच्छेद कितने से? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 के तहत ये मूल अधिकार जोड़े गए। मूल 7 थे, लेकिन उनमें से एक संपत्ति का अधिकार, जिसको आपके 1978 के अंतर्गत, कब? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और वह अधिकार था संपत्ति का अधिकार। यानी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान में मूल अधिकार के तौर पर नहीं है, ये केवल और केवल अब कानूनी अधिकार बचा। कैसा बचा है? कानूनी अधिकार है जो अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उल्लेखित है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना, चूंकि आगे इस अधिकार को भी हमें मोटे तौर पर देखना पड़ेगा। तो मूल अधिकार देखिए, हमने बात की थी जो हमारे 6 मूल अधिकार है। हमने समानता की बात की, हमने स्वतंत्रता की बात की, हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 और 24 में उल्लेखित है, हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक उल्लेखित है, हमने है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। ये कल तक की हमारी जो पिछली क्लास में देखा था, संवैधानिक अधिकारों का जो अधिक मूल अधिकार है उसके तहत किसी भी व्यक्ति के यदि मूल अधिकारों का हनन होता है, आपके मूल अधिकार, आपका मूल अधिकार है अच्छी शिक्षा व्यवस्था का, यदि आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं हो रही, ये आपका क्या है? मूल अधिकार दिया गया हमने, शिक्षा व्यवस्था आपकी अच्छी हो। अनुच्छेद 21 क में है वो उल्लेखित किया गया है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। यदि नहीं होती है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कोई भी जा सकते हो। तो उसके तहत कुछ रिट हैं उनका प्रावधान किया था, वो मोटे तौर पे हमने देखा था। और फिर एक चीज हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए अन्य कुछ संस्थाएं हैं वे भी कार्य करें। जैसे कि आप देखोगे कि महिलाएं लंबे समय से उपेक्षित रही, तो उनके लिए महिला आयोग करके एक कमीशन है, आयोग है वो कार्य करते हैं। बच्चों के लिए बाल आयोग कार्य कर रहा है, उसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी है, वो अनुसूचित जनजाति आयोग काम कर रहा है। इसी तरह की एक और संस्था है जो विश्व लेवल पर कार्य कर रही है, वह है मानवाधिकार आयोग। और मानवाधिकार आयोग का भी यदि कार्य देखा जाए बच्चों, तो कार्य क्या है? ये भी व्यक्ति के मूल अधिकारों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से रक्षा करने का कार्य कर रही है। कौन कर रहा है? जो मानवाधिकार है वो कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 1948 के अंतर्गत मानव अधिकारों का एक घोषणा पत्र है वो जारी किया, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि मानव, चूंकि व्यक्ति मानव होने के नाते उसके कुछ अधिकार है वो तय किए गए और ये विश्व लेवल पर तय किए गए। इन अधिकारों को लागू करने हेतु जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था है उसने है वो रूल्स बनाए, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन जारी किए। तो उस संयुक्त राष्ट्र संघ का, चूंकि भारत भी एक सदस्य देश है, तकरीबन हम देखें तो 193 के आसपास यूएन के मेंबर हैं, उसमें भारत भी एक सदस्य देश है, इसलिए भारत का भी ये कर्तव्य है कि आप भी मानवाधिकार आयोग जैसा गठन करें ताकि नागरिकों के मूल अधिकार और अन्य अधिकार उनकी हैं वो रक्षा हो। तो हमारे लिए जो मूल अधिकारों की रक्षा के रूप में एक आयोग है वो क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसमें क्या कह रहा है? इसकी लैंग्वेज कह रही है कि किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाए। संविधान ने तो आपको मूल अधिकार दे दिया, लेकिन उन मूल अधिकारों को लागू यदि नहीं कर रहा है तो फिर उन मूल अधिकारों का महत्व क्या रहेगा? तो उसी के लिए है वो कुछ एक संस्थाएं कायम कर रही, यदि काम नहीं हो रहा, उन अधिकारों को है वो इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है,
तो कुछ जो आयोग है, जैसे महिला आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अनुसूचित जनजाति है, जाति आयोग है, ओबीसी आयोग है, इस प्रकार के कुछ कमीशन है, वो इस हेतु पर्टिकुलर गवर्नमेंट पर दबाव क्रिएट करने का कार्य करेंगे कि आपने अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए, फिर भी आप उनको लागू नहीं करें। जैसे आपके शिक्षा के अधिकार की बात है, शिक्षा का अधिकार आपका मूल अधिकार है, और यदि ये लागू नहीं हो रहा तो कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे संगठन हैं, वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट पर इसके पर दबाव डालने का कार्य कर सकते हैं कि आप इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करें। आगे क्या कह रहे हैं कि समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाज के जो उपेक्षित गरीब व्यक्ति रहे हैं, या जिन वर्गों के अंतर्गत शिक्षा जैसी व्यवस्था नहीं है, अशिक्षित लोग हैं, और कुछ ऐसे तबके हैं जो लंबे समय से हैं वो कमजोर है, जैसे कि आप देखोगे दलित है, हरिजन है, ये कुछ ऐसे तबके हैं जिनको लंबे समय से है वो दबाया गया है, ये समाज की मुख्य धारा में है वो शामिल हो नहीं सके। आपके दलित है, हरिजन, ये ऐसे तबके हैं जो समाज की मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाए, समाज की जो बुनियादी सामाजिक व्यवस्था है उसमें अपने आप को सम्मान दर्जे पर स्थिति में नहीं आई, तो उसके लिए उनको भी इसी तरह की जो स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, उनके लिए पर्टिकुलर कुछ संस्थाएं जो उनको सम्मान दर्जे तक लाने हेतु, उनके अधिकारों की रक्षा करने हेतु कार्य कर रही। उसमें एक दिया गया है कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, यानी PUCL, या इसको पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट जैसी कुछ संस्थाएं हैं जो लोगों के क्या मूल अधिकारों, जो लोगों के क्या है मूलाधिकार, यानी मूल अधिकार, मूल अधिकारों का हनन करने पर क्या होती है ये संस्थाएं हैं वो कार्य करें। कौन सी है, ये आपके PUDR यानी पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, और दूसरी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज करके, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो मानव अधिकार आयोग है उन्हीं की ये शाखाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ये संस्थाएं कार्य कर रही है ताकि व्यक्ति के मूल अधिकारों का क्या हो रक्षा और आनंद के विरुद्ध ये सतर्कता बरतने की कार्य करें। और इसी श्रेणी के अंतर्गत भारत सरकार ने 1993 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस बात को आप अच्छी तरीके से डिकोड करना, आपको एक नंबर के सवाल में ये चीज पूछी जा सकती है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भारत सरकार ने कब गठन किया, तो भारत सरकार ने 1993 के अंतर्गत है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। सन 2000 से इस आयोग ने पूर्णतया वो कार्य करना शुरू किया, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ग थे जिनकी आवाज दबी जा रही थी या उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हमें भी मानवाधिकार जैसी संगठन को है वो स्थापित करना। आप यदि इसको देखोगे तो कितनी लंबी समयावधि है, जब UN ने इसका घोषणा पत्र तैयार किया था 1948 के अंतर्गत, जबकि हम कब जाकर उसको हैं वो जागते हैं 1993 के अंतर्गत, यानी तकरीबन इस समय अवधि में भी आप देखोगे तो 40-45 साल की समय अवधि हो जाती है। तो इतनी बड़ी जो खाई है वो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में या सरकारी मशीनरी में कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव के कारण भी हम लोग हैं उस क्षेत्र तक आगे नहीं बढ़ सके। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो वैसे क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक ऐसा आयोग जिसका कार्य समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, उन लोगों के लिए अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करेंगे। और इस सिलसिले में भारत सरकार ने भी 1993 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक मानवाधिकार आयोग का गठन किया। आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व न्यायाधीश तथा मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो और सदस्य होंगे, यानी ये इसकी संरचना दी हुई है कि इसका एक होगा वो क्या होगा बच्चों, अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष होगा सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज होगा, सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जस्टिस जो न्यायाधीश रहा है वो रहेगा। इसके अलावा जो अन्य मेंबर रहेगा वो किसी उच्च न्यायालय का यानी किसी हाई कोर्ट का वो जस्टिस रहेगा, या फिर दो अन्य मेंबर हैं जो व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं ये सदस्य होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 2+2 यानी 4 मेंबर हैं जिस समय 93 में गठन किया था उस समय, हालांकि इसमें वर्तमान के अंतर्गत है वो 5 मेंबर हो गए। ये एक महत्वपूर्ण इसकी संरचना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व जस्टिस होगा वो इसका क्या होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा, और एक हाईकोर्ट का कोई जज होगा जो क्या है रिटायर्ड है, और दो अन्य लोग जो मानव अधिकारों की जानकारी रखते हैं उसमें कोई एक महिला सदस्य भी हो सकता है, कोई ऐसी ST का मेंबर भी हो सकता है, उसका कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। आगे बढ़िए, क्या कह रही है, इस आयोग को प्रति वर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं, और इनमें से अधिकतर क्या शिकायतें, या तो लोगों की जेल कस्टडी हिरासत के अंतर्गत उनकी मृत्यु हो गई, या हिरासत के दौरान है उन लोगों के महिलाएं हैं तो उनके साथ बलात्कार जैसे संगीन अपराध घटित हुए,
या लोगों के गायब होने के हैं वो चीजें उनको मिली है, या पुलिस है कस्टडी के अंतर्गत उनको है वो ज्यादातर है मारपीट कर रही है, यानी पुलिस ज्यादातियां कर रही है, या कोई लोग हैं पुलिस को FIR लॉन्च की फिर भी पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, या महिलाओं के प्रति जो दुष्व्यवहार हो रहा है महिलाओं के प्रति है वो अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, इनसे संबंधित है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार को शिकायतें मिली और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वो इन शिकायतों को है लेकर आगे पैरवी करता है। कौन कौन सी शिकायतें, या तो किसी की हिरासत में मृत्यु हो गई, या बलात्कार जैसे संगीन अपराध है, या लोगों के गायब होने के, या पुलिस कस्टडी में ज्यादतियां कार्रवाई की जा रही है, या महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मानवाधिकार आयोग को शिकायतें मिलती है, मानवाधिकार आयोग कार्य करता है। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप देखा जाए, एक बड़ी घटना है कि पंजाब में युवकों के गायब होने और गुजरात दंगों के दौरान मामलों में जांच के रूप में है विशेष भूमिका रही। पंजाब के अंतर्गत बहुत से युवा हैं वो गायब हो गए, क्यों? क्योंकि देखा जाए तो पंजाब में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, खालिस्तान आंदोलन, यानी अलग पाकिस्तान जो सॉरी पंजाब से अलग खालिस्तान प्रांत को लेकर एक अलग देश की डिमांड कर रहे थे। बहुत से युवाओं को हैं वो या तो अन्य एजेंसियों के द्वारा या मार दिया गया था या फिर गायब हो गए, तो ऐसी स्थिति में मानवाधिकार आयोग ने स्वयं संगीन लेकर इस मामले की आगे जांच की कि कहीं क्या ऐसी समस्या कहाँ हुई, वो लड़के लोग हैं वो युवक कहाँ गायब हुए। एक तो इन मामलों में इसकी ज्यादा भूमिका रही, दूसरी है वो गुजरात के अंतर्गत 2002 के अंतर्गत दंगे होते हैं, 2002 में गुजरात के अंतर्गत जो दंगे होते हैं उन दंगों में जांच के रूप में भी मानवाधिकार ने कार्य किया था। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यहां निकल कर आई, बात यह निकल कर आई कि जो मानवाधिकार आयोग है क्या वास्तविक रूप में वो मानवाधिकार आयोग स्वयं जांच करता है? नहीं करता है। मानवाधिकार आयोग है वो स्वयं जांच नहीं करेगा, बल्कि ये कोर्ट को और सरकार को इस मामले में अवगत करवाने का, जागरूकता करने का, उन पर प्रेशर करने का है, प्रेशर दबाने का कार्य करेगा कि भाई ये चीजें हुई है तो आप लोग उनको है वो जांच के दायरे में लाइए, यानी ये स्वयं है वो जांच नहीं करती, ये सरकार या संस्था को अपनी जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश करती है। तो ये मोटे तौर पर मानवाधिकार आया, और मानवाधिकार आयोग का काम है कि जो लोग हैं या तो पुलिस ज्यादातियों में उनके साथ हैं वो अच्छा नहीं हुआ, उन लोगों को क्या करेंगे, उन लोगों के लिए जांच हेतु है वो सरकार के ऊपर दबाव बनाने का कार्य कर सकती है। तो ये मोटे तौर पर है आपका मानवाधिकार आयोग हो गया। आगे बढ़िए, क्या करें, आगे हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्यारे बच्चों, दो चीज जो दो धाराओं पर चल रही है, दो धाराएं क्या, आप यहां देखिए हमारे संविधान में एक तो मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई, क्या व्यवस्था की गई, मूल अधिकारों, ठीक, मूल अधिकार किसके लिए, व्यक्ति के लिए, आपके लिए, आपके लिए क्या मूल अधिकार। राज्य के लिए एक नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व, इनको DPSP कहा जाता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पावर के लिए, यानी राज्य के लिए नीति निर्देशक बनाई गई। हमारे संविधान वेताओं ने क्या किया कि व्यक्ति को तो हमने मूल अधिकार दे दिया, अब व्यक्ति के कोई भी अधिकार प्रभावित होते हैं वो कोर्ट में जाएगा, लेकिन अब राज्य के लिए कुछ व्यवस्था हुई कि राज्य इन अधिकारों को इंप्लीमेंट कैसे करे, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा एक प्राविधान किया, उनको दिया गया नाम नीति निर्देशक। नीति और निर्देशक शब्द, इस शब्द को यदि आप तोड़ के देखोगे तो नीति का मतलब हुआ कुछ कानूनी, क्या है कानूनी, जैसे मैंने आपके लिए कुछ नीति निर्देशक तय किए, नीति निर्देश तय किए कि जो कक्षा 11th के विद्यार्थी हैं उनको इस समय अवधि में कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है उनको पढ़ना पड़ेगा, इस समय अवधि में नोट्स तैयार करने होंगे, इस समय अवधि में उनके मैं टेस्ट लूंगा, उन समय अवधि में इनके मूल्यांकन होंगे, तो वो कुछ निर्देशक मैंने जारी किया आपके लिए, कुछ निर्देश जारी किए, या फिर कहेंगे कि स्कूल ने आप विद्यार्थियों के लिए निर्देश जारी किए, कक्षा 11th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पर्टिकुलर ये निर्देश होंगे कि आप इन इन निर्देशों के तहत कार्य करेंगे। तो ऐसी की वैसी व्यवस्था राज्य के लिए भी लागू, नीति यानी कानूनी रूप से क्या है, कुछ कानूनी प्रावधान किए, निर्देश यानी दिशा निर्देश देना, यानी उनको है वो कुछ गाइडलाइन तय की गई कि स्टेट है वो इस तरीके से कार्य करेगा, दिशा निर्देश, इसको दिशा निर्देश ये राज्य के लिए तय की गई। और ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ही अपने आप के अंतर्गत लंबे समय तक ये विवाद का कारण बनेगा, क्यों,
इसलिए कि मूल अधिकार व्यक्ति को दे दिए और निर्देशक तत्व राज्य को दे दिए। अब दोनों के बीच में है, अधिकारों ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, जबकि निर्देशक तत्वों ने कहा कि हम अधिकारों को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी अधिकार को तोड़ सकते हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हैं वो मूल अधिकारों को हैं, वो राज्य खत्म नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और 1950 के बाद में हम देखेंगे, 1950 से लेकर ये बड़ा विवादित मसला रहा और कालांतर में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत बहस हुई और 1973 के अंतर्गत एक मुकदमा आता है प्यारे बच्चों, केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती करके एक मुकदमा आया और उस मुकदमे में यह तय किया गया कि जो मूल अधिकार है उनको राज्य किसी भी तरीके से समाप्त नहीं कर सकता, संसद समाप्त नहीं कर सकती, बल्कि यदि कुछ ऐसी चीज होती है तो उसमें कुछ एक संशोधन कर सकती है। इसमें एक बहुत बड़ा एक आया मूल ढांचे का एक कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? मूल ढांचे का, यानी जो मूल अधिकार है वो संविधान के मूल ढांचे में दिए हुए, जो मूल अधिकार है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आए, इसलिए राज्य है वो उनको क्या कर सकता है बच्चों? नहीं खत्म कर सकता। इसकी परिभाषा, इसकी लैंग्वेज को देखिए कि निर्देशक तत्व है नीति यानी कानूनी निर्देश यानी राज्य को दिशा निर्देश देने हेतु संविधान में कुछ प्रावधान किए गए जिन्हें क्या कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है और ये संविधान के भाग चार में उल्लेखित है। भाग चार में अनुच्छेद देखा जाए तो 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ताकि राज्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु क्या है? कानून बनाने का कार्य करे। देखिए क्या कह रहा है कि संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया लेकिन उन्हें उच्च न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। बड़ी महत्वपूर्ण बात है बच्चों, बात बड़ी। क्या कह रहे कि मूल अधिकार यदि आपके बाधित हुए, संविधान कह रहा है कि मूल अधिकार आपके बाधित हुए तो हमने आपको अनुच्छेद दिया 32 जिसके तहत आप रिट दायर करो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ 226 के तहत, लेकिन यदि निर्देशक तत्वों को आप लागू कर रहे हैं, राज्य लागू नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप जुडिशरी नहीं जा सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते। निर्देशक तत्वों को लागू करने की किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं होगी, राज्य लागू करे या नहीं करे वो राज्य के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कोर्ट उनको है प्रेशराइज नहीं कर सकता, कोर्ट उनको दबाव नहीं दे सकता कि आप इनको है वो लागू कीजिए। क्या कह रहे हैं? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सरकार किसी को, किसी निर्देश को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाकर ये मांग नहीं कर सकते कि उन्हें लागू करने के लिए न्यायालय किसको, सरकार को आदेश है वो दे। इसलिए कहा जाता है कि निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं। निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य। वाद यानी जो सुप्रीम कोर्ट में उन पर है वो याचिका दायर करने योग्य नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह आई है कि मूल अधिकारों को आपको लागू करवाना है तो आप कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट बाकायदा है वो राज्य को आदेश देगा कि आप व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों को है वो लागू करो, लेकिन यदि जो निर्देशक तत्व है निर्देशक तत्वों को लागू करना है तो आप कोर्ट नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, इन पर है वो कोर्ट किसी भी तरह की, वाद का मतलब यहाँ पर सुनवाई आ रही। क्या आ रही है? सुनवाई आ रही। वाद का मतलब वो लड़ाई विवाद वाला मसला नहीं, यहाँ पर सुनवाई से लिया हुआ है कि कोर्ट में क्या इसकी सुनवाई हो सकती, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। निर्देशक तत्वों को लागू करवाना है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे एक मैं निर्देशक तत्व बोलता हूं, अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में सम्मान नागरिक संहिता है। क्या है? सम्मान नागरिक संहिता, सम्मान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का क्या अर्थ हुआ? समान नागरिक संहिता का अर्थ ये हुआ, जैसे कि आप देखोगे कि हिंदू उत्तराधिकार नियम अलग है, यानी हिंदुओं के अंतर्गत कोई पुत्र को गोद लेना है या विवाह के नियम है या जो संपत्ति के बंटवारे के रूल से वो अलग अलग दिए हुए, उसी तरीके से मुसलमानों के लिए है वो भी अलग, उनका पर्सनल बोर्ड काम कर रहा है, उसी तरीके से जो ईसाई है उनके लिए भी अलग है कानून है, तो उन अलग अलग कानूनों के तहत उनकी अपनी व्यवस्थाएं चल रही है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है। समान का मतलब हुआ एक जैसी, नागरिक यानी लोगों के लिए, संहिता यानी कानून। ये कह रहा है कि चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, लिंग, भाषा किसी भी तरह का है, उनके लिए सभी तरह का एक जैसा कानून बनाना चाहिए।
कौन कह रहा है? ये मेरा एक नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 44 में जिसका उल्लेख किया हुआ है, वह कह रहा है कि सरकार है वो समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करे, चाहे व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है, चाहे सिख है चाहे ईसाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सभी के लिए विवाह के, संपत्ति के, सभी के एक जैसे कानून बनाओ। ठीक है, ये निर्देशक तत्व तो उसमें दिया हुआ। अब आपने कहा कि यहां पर समानता है, नहीं है, हिंदू उत्तराधिकार रूल्स अलग है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का है, वो बोर्ड अलग काम कर रहे हैं, यानी उनके विवाह के उत्तराधिकार के अलग रूल्स। अब आपने क्या किया कि आप इनको लागू करवाना चाहते हैं, इसलिए आपने कहा क्यों नहीं हम कोर्ट में मूल अधिकार की तरह हैं, इन पर भी जाकर याचिका दायर करें, एक मुकदमा दायर करें कि साहब जो राजस्थान से जो भारत सरकार है वो एक सम्मान नागरिक संहिता क्यों नहीं लाई, ताकि सभी के ऊपर एक जैसी बुनियादी व्यवस्था है वो कायम हो सके। लेकिन बात यहाँ पर ये अड़चन आई कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि जो निदेशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस पर किसी भी तरह की सुनवाई करके ये नहीं कह सकता, स्टेट को फोर्स नहीं कर सकता, राज्य को ये है दबाव नहीं दे सकता कि आप निदेशक तत्वों को लागू करें। क्यों? क्योंकि संविधान में स्पष्टता कहा गया है कि राज्य अपनी व्यवस्था के मुताबिक इनको लागू करें, किसी भी तरह का उस पर ये दबाव नहीं दिया जाएगा। तो हर निदेशक तत्व है वो लागू नहीं हो सकता, ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कोई भी लॉ बना रही है तो सरकार इन निदेशक तत्वों का प्रयोग करते हुए क्या करेगी, कोई कानून बनाएगी। तो निदेशक तत्व क्या है? वाद योग्य नहीं है, इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि आपके मूल अधिकार प्रभावित हुए तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकते हो। जैसे आपका मूल अधिकार, आपको शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं हो रही तो आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता की बात हुई तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं वो राज्य पर निर्भर करेगी, यदि राज्य को लगा तो राज्य कर सकता है, अन्यथा उस पर फोर्सेबल नहीं है। आगे बढ़िए, इसका अर्थ क्या कह रहे हैं निदेशक तत्व का? अर्थ यह है कि ये संविधान का हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति, ये वर्ड कीवर्ड आया बहुत ही अच्छा, क्या कह रहे हैं कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका कहना है कि जो निर्देशक तत्वों के पीछे जो कि निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति काम कर रही है, क्या कर रही है? नैतिक शक्ति है वो काम कर रही है, वह शक्ति सरकार को बाध्य करेगी और सरकार निदेशक तत्वों को गंभीरता से लागू करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते हैं कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर है, वो डालेंगे कि ये सरकार है, कोई भी सरकार अच्छी से अच्छी कल्याणकारी सरकार होगी वह हमेशा निदेशक तत्वों को लागू करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हर अच्छी बात है वो निदेशक तत्वों में दी गई। इसलिए सरकार का ये नैतिक उत्तरदायित्व होगा कि सरकार जब जब कोई कानून बनाए तो निदेशक तत्वों को लागू करने की कोशिश करे। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची है वो रखी गई और निर्देशों की उस सूची को राज्य के निदेशक तत्व कहा जाता है। आप परिभाषा इसकी इस तरीके से होगी कि जो निदेशक तत्व हैं, इस प्रकार के नियम जो संविधान में जो संविधान का हिस्सा है न्यायपालिका उनको लागू नहीं कर सकती और ये सरकार को क्या है नैतिक शिक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए सरकारें उनको लागू करने की कोशिश करेगी। इस प्रकार के निर्देशों को क्या कहेंगे बच्चों? राज्य के नीति निदेशक तत्व कहेंगे। तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व आपके संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आए हुए हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब बात आपको वापस है आपके जेहन में उठी कि साहब ये नीति निदेशक तत्व है वो आखिर में क्या है, आखिर में क्या निदेशक तत्वों को यदि आप सामान्य तौर पे देखोगे तो क्या ये दिशा निर्देश है, दिशा निर्देश। जैसे हमने स्कूल में विद्यालय के अंतर्गत कुछ अनुशासन के नियम है वो सामान्य तय किए, एक तो विद्यालय के अंतर्गत कुछ कानूनी प्रावधान किए गए, ठीक है, दूसरा यह है कि कुछ दिशा निर्देश तय किए गए जो सामान्य है तो बच्चों को ये काम करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभार उनको बच्चा उल्लंघन भी कर लेता है तो इतनी है वो फोर्सेबल नहीं होगी, उनके लिए इतना बड़ा पनिशमेंट है वो प्रावधान नहीं किया गया। तो नीति निदेशक तत्व भी हैं, एक तरह के दिशा निर्देश हैं जो राज्य को ये निर्देश देने का कोशिश करते हैं, राज्य को ये आदेश देते हैं कि राज्य जब जब है जनता के कल्याण हेतु कोई कानूनी प्रावधान करेगा तो वह इन तत्वों को इस सूची को ध्यान में रखकर क्या करेगा अपने कानून बताएगा ताकि जनता की क्या हो कल्याण का काम हो। तो नीति निदेशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें। अब आपका आगे सवाल होगा, आपसे ये सवाल अपने आप में बन सकता है कि नीति निर्देशक तत्व है वो किसे कहेंगे
और तीन तीन निर्देशक तत्वों की प्रमुख तीन बातें बताइए, ये आपसे अपने आप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आंसर भी इस टाइप से होगा। देखिए इसमें कहा रहा है जा रहा है कि निर्देशक तत्वों के हैं वो तीन बातें महत्वपूर्ण है। क्या है? इसमें बताया गया कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। निर्देशक तत्व कहते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है कि समाज के अंतर्गत हमें एक रूपता दिखानी है और क्या करना है, जन कल्याणकारी हेतु कार्य करना है। लोक कल्याणकारी हेतु है वो सरकार कार्य करेगी। क्या करेगी? लोक कल्याण। लोक कल्याणकारी कार्य करेगी। तो निर्देशक तत्वों की प्रमुख पहली बात आई कि निर्देशक तत्वों का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो समाज के रूप में हमें स्वीकार करना और लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना, स्थापना करना। दूसरी बात क्या कह रही है? दूसरी बात कह रही है कि जो निर्देशक तत्व है वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए थे और उन और उनको लागू करने की नैतिक शक्ति है वो किसमें होगी? राज्य में। करने की नैतिक शक्ति राज्य में होगी, यानी वे अधिकार जो नागरिकों के मूल अधिकारों के अलावा उन्हें मिलने चाहिए और उन अधिकारों को लागू करने हेतु क्या है, राज्य को नैतिक शक्ति दी गई है। तो दूसरी बात यह है कि राज्य को क्या करना है, मूल अधिकारों को लागू करवाना है और उनके लिए क्या है, ये जो नैतिक शिक्षा एक तरह की जो नैतिक शिक्षा होगी उस नैतिक शिक्षा के तौर पर राज्य इस हेतु कार्य करेगा। तीसरी बात क्या कह रहे हैं कि वे नीतियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि निर्देशक तत्वों में जो दिए गए उन चीजों को है वो सरकार क्या करे, स्वीकार करे। और जब जब कोई भी कानून सरकार बनाती है, कानून बनाते समय सरकार इन तत्वों का पालन करे, इन तत्वों का क्या करें, पालन करें, ताकि क्या है, हमारा जो उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब आप कहोगे सर ये लोक कल्याणकारी क्या है, बार बार जो लोक कल्याण आ रहा है ये लोक कल्याण क्या है? लोक कल्याण का बेसिक अर्थ युवा है कि समाज के अंतर्गत जो वर्ग ऐसे लंबे समय अवधि में वे समाज से उपेक्षित रहे, उनका किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ, उनकी शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाई है। आज आप आज देखोगे कि हमारे जो गांव में या समाज के अंतर्गत देखोगे कुछ लोगों की ऐसी बस्तियां हैं जो आप देखोगे उनके ढंग के खाने के लिए चीज़ नहीं मिली, उनको पहनने के लिए ढंग का वस्त्र नहीं मिल रहा, उनके शिक्षा नहीं हो रही। तो उन लोगों को हमें हमारी समाज की मुख्य धारा में लाना है, इसी हेतु है वो सरकार क्या करेगी, उनके कल्याणकारी योजना बनाएगी। तो ये बेसिक एक लोक कल्याण का जो कॉन्सेप्ट है कि सरकार का उद्देश्य होगा कि जो तबके लंबे समय से दबे हैं उनके विकास हेतु कार्य करें, क्या कहलाया जाएगा, लोक कल्याणकारी कहलाया जाएगा। तो निदेशक तत्व हैं वो सरकार को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं और ये मूल अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य को निर्देश देते हैं कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। और इसकी बात है कि लक्ष्य और उद्देश्यों को समाज में स्वीकार करवाना, नागरिकों के जो मूल अधिकार मिलने चाहिए उनके अलावा अन्य जो अधिकार हैं उनको लागू करने के निदेशक तत्वों में, दूसरी बात क्या है, नैतिक शक्ति काम कर रही है और वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए ताकि कानून बनाते समय क्या करें, सरकार इनको लागू करे ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। आगे बढ़िए, क्या करें, अगला जो हमारी हेडिंग है, अगला हमारा जो टॉपिक है इसी का बिंदु है आपके अध्याय का, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। अब आप यहां कंफ्यूज होंगे कि सर मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये दो क्या चीज है? एक तो होता है हमारा मूल अधिकार जो हमने पढ़ा है, मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ है, मूल अधिकार संविधान के भाग तीन में, और नीति निर्देशक तत्व तो कहां पर है, ये संविधान के भाग चार में, इस बात का आप ध्यान रखना। जबकि मूल कर्तव्य, जबकि जो मूल कर्तव्य है
मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह बच्चों, जो नागरिकों के मौलिक यानी मूल कर्तव्य यानी कुछ ड्यूटीज है, आपका जो कर्तव्य क्या होगा वो आपके कार्यों को दिशा निर्देश तय कर रहा है। तो जो मूल कर्तव्य है वो मूल संविधान में नहीं है, हमारे संविधान में कहीं भी है वो मौलिक कर्तव्य पर्टिकुलर रूप से है उल्लेखित नहीं किए गए। तो क्या है, इनको बाद में 1976 के अंतर्गत सरदार स्वर्ण सिंह समिति एक गठित की और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य हैं वो तय किए गए। आपने डिमांड क्या की, आपने मांग की कि सर हमें कुछ अधिकार दो। क्या दें आपको अधिकार, ठीक है मैंने आपका आया हूं मूल अधिकार दिया कि आपको हम विद्यालय में अच्छी से अच्छी क्या है शिक्षा देंगे, ये आपका मूल अधिकार, ठीक है। ये बात हमें समझ में आई कि जो विद्यालय क्या करेगा, हमने आपको मूल अधिकार दिया कि आपकी हम अच्छी से अच्छी है वो शिक्षा प्रदान करेंगे, अच्छी से अच्छी उत्तम जो गुणवत्ता है क्वालिटी वाली एजुकेशन है वो हमारी संस्था आपको प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। अब आपसे हमने अपेक्षा की कि आपका भी ये मौलिक कर्तव्य है, क्या है मौलिक, मौलिक यानी मूल, क्या है आपका ये मौलिक कर्तव्य है कि जिस गुणवत्ता को साथ आपको पढ़ाया जा रहा है क्या वास्तव में आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, क्या आप उन चीज को पढ़ रहे हैं, क्या आप विद्यालय में वास्तव के अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत जो नियम तय हुए हैं उनके कर्तव्यों का आप पालन कर रहे हैं, क्या आप विद्यालय में अनुशासन का वातावरण तैयार कर रहे हैं, क्या आप अच्छे से अच्छे विद्यालय हेतु गुणवत्ता की शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। तो वैसे के वैसे हमारे संविधान में भी कालांतर में ये चीज जोड़ी गई कि नागरिकों को तो हमने मूल अधिकार दिया है, बदले में नागरिकों का भी ये काम होगा कि नागरिक अपने जो कुछ कर्तव्य तय हुए कि आप देश की रक्षा हेतु काम करें, आप हैं वो समाज में भाईचारा को बढ़ावा दें, ऐसा नहीं कि आप समाज में है वो उपद्रव पैदा करें, दंगे फसाद करें, सांप्रदायिक लड़ाइयां लड़े, नहीं आपका ये मौलिक कर्तव्य होगा कि जब देश आपको दे रहा है आपके मूल अधिकार, आपकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, चिकित्सा की करेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको भी है जब देश की रक्षा की आवश्यकता हो तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्या है ये आपका मूल कर्तव्य, क्या है ये आपका मूल कर्तव्य है। दूसरा क्या है, दूसरी चीज यह है कि आपको अच्छे से अच्छी शिक्षा व्यवस्था वगैरह दी जा रही, लेकिन जो राज्य ने तय किया कि आपका काम होगा हम अच्छे से अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं, तो आप क्या करो, आप उस शिक्षा व्यवस्था का फायदा उठाते हुए समाज में भाईचारा कायम करो, समाज में बंधुत्व की भावना कायम करो, समाज में समन्वय कायम करो, बल्कि लड़ाई टंटे जो दंगे फसाद करने का कार्य नहीं करो। तो बेसिक बात क्या है, बेसिक बात यह आई बच्चों कि राज्य ने संविधान में बाद में चीज जोड़ी गई कि जो कोई व्यक्ति है उस नागरिक के, नागरिक यानी कोई व्यक्ति है, उस नागरिक के कुछ कर्तव्य होंगे, कुछ ड्यूटीज होंगी, कुछ काम होगा आपको, ये हैं वो राज्य अधिकार दे रहा है, तो अधिकारों के बदले में आपको अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए, ताकि क्या है, ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य की क्या हो सके, स्थापना हो सके। तो ये आपके मौलिक कर्तव्य तो समझ में आ गया, मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक का मतलब हो गया मूल कर्तव्य यानी ड्यूटी या दायित्व, आपका ये दायित्व होगा कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बनाए रखे। ये बाद में हमारे संविधान में 1976 में, वर्ष 1976 में 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया गया, और अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची है वो समावेश की गई, यानी सूची है वो क्या हुई जोड़ी गई, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान क्या है मौन है। क्या लागू करने हेतु संविधान ने इनके लिए कोई प्रावधान किया, तो हम कहेंगे कि संविधान में ऐसा तो कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे कानून बनाए गए, जैसे ध्वज संहिता बनाई गई, आप सभी का कर्तव्य है कि आप राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज है तिरंगा है उस तिरंगे का सम्मान करें, तो ये क्या आपका कर्तव्य, तो उसके लिए हमने ध्वज संहिता बना दी, क्या कर दी ध्वज संहिता बना दी। तो संविधान तो मौल है, लेकिन कालांतर में सरकार ने अलग अलग कानून के द्वारा है वो इसको कानूनी करने की कोशिश की, कालांतर में अलग अलग कानूनों के द्वारा, अलग अलग कानून बनाकर
लागू करने की कोशिश की गई। बात क्या उसको पुनः देखिए कि व्यक्ति के हैं वो अधिकारों के बदले में कुछ कर्तव्य तय किए गए, कुछ दायित्व तय किए गए और ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। फलत 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया और संविधान के अंतर्गत जो कहां पर है भाग चार अनुच्छेद 51 क में है वो इनको जोड़ा गया। भाग चार के अनुच्छेद 51 क में वो इनको जोड़ा गया ताकि क्या हो आपके कुछ ड्यूटी जो आपके कुछ कर्तव्य तय किए कितने थे संविधान में जिस समय जो ये लागू संविधान में जोड़ा गया कब 42वां संविधान संशोधन 1976 और उस समय कितने थे बच्चों 10 थे और वर्तमान में आपके बढ़कर हैं वो 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यानी व्यक्ति को है अपने कर्तव्यों का दायित्व करना चाहिए देश की रक्षा हेतु, जब आवश्यकता पड़े तो आप देश की रक्षा का कार्य करें, आप समाज में है वो भाईचारा कायम करने की कोशिश करें, आप नागरिक अधिकारों का है वो पालन करें, आप सार्वजनिक स्थलों को हैं वो किसी भी तरह का नुकसान का काम नहीं करें, आप हैं वो पर्यावरण की रक्षा करें, आप कुछ ऐसे हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको है वो संरक्षित करने का काम करें, जैसे आप किसी दुर्ग चले गए या फिर अन्य कोई हमारी हेरिटेज जो किले हैं या महल हैं तो वो हमारी ऐतिहासिक संपत्ति है उन संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचे, ये आपका कर्तव्य होगा। आपका ये कर्तव्य होगा कि आप राष्ट्रीय ध्वज का पालन करें, आप जिस समय राष्ट्रगान चल रहा है उस स्थिति में आप राष्ट्रगान के जो नियम हैं उन नियमों को फॉलो करते हुए उनका पालन करें, यानी राष्ट्रगान के समय अवधि में आप हैं वो सीधे खड़े रहें। तो ये क्या है, ये आपके बेसिक कर्तव्य हैं जो हमारे कालांतर में संविधान के अंतर्गत हैं अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए और उस समय 10 थे वर्तमान के अंतर्गत 11 है। आगे बढ़िए, एक आपकी जो मूल की पॉइंट है वह की पॉइंट है संपत्ति का अधिकार। बच्चों क्या है संपत्ति का अधिकार, मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में है वो 7 अधिकार थे, संविधान में 7 है वो क्या थे मूल अधिकार थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ विवाद उठा। संपत्ति यानी धन है पैसे है, ये धन पैसे। अब बात क्या हुई, बात ये एक है नाम लड़का रमेश नाम है, एक है महेश नाम। रमेश के पास माना कि 1000 बीघा जमीन है, 1000 बीघा जमीन ठीक है, और एक महेश है उसके पास है वो 1 बीघा जमीन है। अधिकार क्या कह रहा है, संपत्ति का अधिकार ये कह रहा है, संपत्ति का अधिकार ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति कोई भी कितनी संपत्ति रखे ये उसका अपना अधिकार है, ठीक है बात मान ली। लेकिन एक अन्य अनुच्छेद मैंने आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 14 पढ़ाया, क्या कह रहा है समानता का अधिकार, क्या कह रहा है समानता का, क्या कह रहा है कि समाज में सभी तरह की समानता कायम हो। तो क्या समानता कायम हो रही है, रमेश के पास 1000 बीघा जमीन है और महेश के पास 1 बीघा, यानी समाज में कुछ वर्ग ऐसे थे बड़े बड़े जमींदार लोग थे या संपन्न अमीर लोग थे उनके पास ज्यादा संपत्ति थी, यानी पूरे देश की जो आप देखोगे 80% संपत्ति है वो 20% लोगों के पास, पूरे देश के अंतर्गत देखा जाए यानी 80% संपत्ति, 80% संपत्ति है कितने 20% लोगों के पास, माना कि 80 रुपए हैं वो कितने लोगों के पास में 20 लोगों के पास। तो ये इतनी बड़ी है वो समस्या क्रिएटिव, और जो ये इतनी विविधता, इतनी बड़ी विविधता है, इतनी बड़ी असमानता है, तो इन असमानता को है वो संपत्ति का अधिकार क्या कर रहा था बढ़ावा दे रहा था, अमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं गरीब ज्यादा गरीब हो रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या हुआ कि संविधान में एक संशोधन करना पड़ा, 44वां संविधान संशोधन लाए और हमने क्या किया कि 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी इन्होंने संपत्ति के अधिकार को क्या किया बच्चों समाप्त कर दिया, क्या किया समाप्त किया, क्यों, क्योंकि ये जो रमेश और महेश की जो स्थिति बनी है उस असमानता को समाप्त करना, ताकि इस अधिकार को समाप्त करूंगा मैं तभी रमेश से भूमि छीन कर ले सकते हैं कुछ नियम बनाने के लिए, अब यदि संपत्ति का अधिकार है तो वह रमेश के अधिकार रक्षा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में है वो महेश का अधिकार क्या है बाधित हो रहा है। तो मैंने कहा कि इनमें समानता लानी, इनमें क्या करना है मुझे समानता लानी है, इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा करें वो हमने कानूनी प्रावधान बनाया, अब संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं रहा, ये कैसा है कानूनी अधिकार रहा है। इसकी क्या है भाषा उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए,
इसकी यदि भाषा देखा जाए, कहा गया है कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के मध्य संबंध, मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के मध्य संबंधों पर उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था कि मूल संविधान में संपत्ति अर्जन करने का, यानी संपत्ति आप अर्जित करो, हासिल करो, आपकी संपत्ति के ऊपर आपका स्वामित्व कब्जा हो, और संरक्षण का काम कौन सा? संपत्ति का मूल अधिकार कर रहा था। लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार क्या करेगी, लोक कल्याण के लिए क्या कर सकती है सरकार, लोक कल्याण, लोक कल्याण यानी समाज में समानता लानी, समाज में समानता लाने के लिए सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। और 1950 से ही सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर क्या होने लगा, प्रतिबंध लगा दिया गया। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार सबसे बड़ा उभर कर आया। एक घटनाक्रम हुआ था तमिलनाडु दक्षिण के अंतर्गत, एक घटनाक्रम है, एक केशवानंद भारती करके एक व्यक्ति हुए थे। क्या नाम है? केशवानंद भारती। उनका एक मठ था। क्या था? उनका एक मठ था। उस मठ के पास में है वो तकरीबन ज्यादा जमीन थी, ज्यादा संपत्ति थी। सरकार ने क्या किया? सरकार ने किया कि भारती साहब का जो मठ था उसको छीन दिया। क्यों? और सरकार ने कहा कि अन्य जो लोग हैं, आप क्या करोगे साधु संतों की, आपके क्या काम की चीजें? तो ये पब्लिक में जो लोग गरीब तबके के इस प्रकार के लोग हैं उनको है दें ताकि उनके लिए काम करें। यानी सरकार क्या करे, ये जो निदेशक तत्व है उसको लागू करने के लिए। क्यों? क्योंकि संपत्ति का बंटवारा करना है, समान रूप से संपत्ति हो, तो उसके लिए विवाद उठा रही। इसी विवाद के केंद्र में कौन सा अधिकार रहा था? संपत्ति का अधिकार रहा। आखिर में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल अधिकार के, मूल अधिकार के ढांचे, मूल अधिकार के ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान संशोधन करके प्रतिबंध करने का अधिकार है। बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई। बात निकल कर ये आई कि अब जो सुप्रीम कोर्ट पहले कह रही थी कि संसद है, संसद कोई भी मूल अधिकारों को बाधित नहीं कर सकती, संसद के पास ये अधिकार नहीं है कि वह मूल अधिकारों को समाप्त करे, लेकिन केशवानंद भारती वाद बढ़ा, 1973 में मुकदमा गया, संपत्ति के अधिकार को चैलेंज किया, और अब सरकार को लगा कि वास्तव के अंतर्गत देखा जाए कि समाज में ये संपत्ति का अधिकार है, क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, अमीर और गरीब के मध्य है वो खाई बढ़ती जा रही है, समाज में क्या हो रही है, समाज में असमानताएं वो आ रही। इसलिए क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के अंतर्गत है केशवानंद भारती विवाद के अंतर्गत, कौन सा मामला ये, केशवानंद जी का है, ये भारती जी का है, केशवानंद भारती केरला में मठ था इनका, केशवानंद भारती मामले में कहा कि जो ये संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे में नहीं है। किसमें नहीं है? संविधान के मूल ढांचे में नहीं, इसलिए क्या है, इसलिए संसद इसको समाप्त कर सकती है। संविधान के मूल ढांचे में ये नहीं है, इसलिए संसद इसको क्या करें, इसको समाप्त करके इसको संशोधन है, मूल ढांचे का भाग नहीं है, इसलिए संसद है वो संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर सकती है, प्रतिबंधित कर लिए। इसलिए संपत्ति का अधिकार है वो हमारा वर्तमान में मूल अधिकार नहीं रहा, पहले 7 थे अब है वो 6 रहे, और संपत्ति का जो मूल अधिकार है वो नहीं रहा। अब यानी आप ज्यादा संपत्ति रखो तो आपका मूल अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार के तौर पर आपको दिया गया है ताकि आप हैं वो कर सके। फिर 1978 में जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आई और संविधान में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और वर्तमान में ये संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार क्या कर दिया बच्चों, बना दिया गया है ताकि क्या हो, नागरिकों के अधिकारों की जो हनन नहीं। तो क्या ये आपकी संपत्ति का अधिकार है, इसको पुनः थोड़ी सी इसकी ब्रीफिंग देख लीजिए। संपत्ति का अधिकार था कहां पर था, पहले पहले अनुच्छेद है, जिस समय संविधान में इसका उल्लेख किया था उस समय अनुच्छेद है वो आपके 31 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया था, लेकिन कालांतर में क्या हुआ, केशवानंद भारती मुकदमा आया, केशवानंद भारती केस कब, 1973 में,
और इसमें किसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद क्या कर सकती है, इसमें संशोधन कर सकती है। संसद इसमें क्या कर सकती है बच्चों, संशोधन कर सकती है। संशोधन का मतलब ये होता है कि कोई चीज को आप जोड़ो। मैंने कहा कि आप जो मैंने कुछ लिखवाया उसमें संशोधन करो, मैंने आपको नोट्स लिखवाया उसमें संशोधन करो, तो आप क्या करोगे, आप या तो कुछ लाइनों को हटाओगे, कुछ नोट को काटोगे नोट्स को, या कुछ उसमें जोड़ोगे। तो इसी तरीके से कुछ अधिकारों को जोड़ने की बात हुई और कुछ अधिकारों को समाप्त करने की बात हुई, ताकि जो संपत्ति का अधिकार है उसको सामान्य अधिकार में डाला जाए। तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई और इसने संविधान में है वो 44वां संविधान संशोधन किया। कौन सा किया, 44वां संविधान संशोधन, और वर्ष कौन सा था, 1978 का, और इसको क्या कर दिया गया, इसको सामान्य कानून बना दिया बच्चों। क्या बना दिया, इसको सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया, सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी ये मूल अधिकार अब नहीं रहा। सामान्य कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 का में अब ये मूल अधिकार है वो नहीं रहा, मूल अधिकार वर्तमान में नहीं रहा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये मोटे मोटे तौर पर हमने अधिकारों को पढ़ने की कोशिश की कि हमारे संविधान में, संविधान के भाग 3 में नागरिकों के लिए कुछ अधिकार तय किए गए। मूल अधिकार यानी जीवन जीने हेतु आवश्यक है, मूल है, उन्हें मूल अधिकार कहा गया और मूल अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का राइट दिया हुआ है। अनुच्छेद फिर 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का दूसरा अधिकार दिया गया है। फिर तीसरा जो मूल अधिकार है वो 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। फिर चौथा है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से है वो 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के लिए मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और अब आपके सभी अधिकार यदि बाधित होते हैं, कोई अधिकार आपके लागू नहीं हो रहा है, तो आप क्या है, कोर्ट में चैलेंज करो। इसके लिए हमने क्या किया, आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दे दिया। आपको मैंने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया तो आपको संवैधानिक अधिकार का दिया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आप ऑफिस में इस मामले को है वो शिकायत कर सकते हैं कि हमें पॉलिटी समझ में नहीं है। उसी तरीके से यही बात सेम है कि आपके अधिकार प्रभावित हुए तो राज्य ने आपको अधिकार दिए, राज्य ने, तो आप राज्य के विरुद्ध क्या कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कि साहब हमारे जो मूल अधिकारों की संविधान में व्यवस्था की गई है उनको लागू नहीं किया। तो हमने एक तो मूल अधिकार पढ़ा, मूल अधिकार हमने देखा समानता से लेकर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकारों को हमने पढ़ लिया संपूर्ण तरीके से। हमने है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी पढ़ लिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। हमने राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व भी पढ़े, नीति निर्देशक तत्व पढ़े, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हमने है वो मौलिक कर्तव्य भी पढ़े, क्या पढ़े हमने, मौलिक कर्तव्य भी पढ़े। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने जो एक संपत्ति का अधिकार था उसको हटाया, उसको भी देख लिया मोटे तौर पे, संपत्ति का अधिकार उसको भी पढ़ लिया। तो मोटे मोटे तौर पर हमने आज मूल अधिकारों की है वो इस चैप्टर को है समाप्त किया। आगे जो भी हमारी क्लास होगी उसमें हम प्रश्न उत्तरी पर चर्चाएं करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाने की अपेक्षा रहती है। तो मुझे ऐसी अपेक्षाएं, उम्मीद है कि आप लोगों को ये अध्याय मूल अधिकार है वो संपूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, और यदि कुछ एक चीजें आपको समझ में नहीं आई तो आप हैं वो उसमें कमेंट बॉक्स जाकर है वो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से जो भी क्लासें हुई उसमें समझाने का भरसक कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।